हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्या हुआ, ऐसे पूछने लगे हो? बंदा पहले सलाम ही कर लेता है। अपनी मर्जी के बगैर मैं किसी को सलाम नहीं करता। और अब इतना भी एटीट्यूड मत दिखा, तुझे पता है ना बिल्लू में तुझसे भी ज्यादा एटीट्यूड है। ये ना हो कि मैं अभी कॉल कट कर दूं। परवाह नहीं है। अच्छा यार, कम से कम मेरे तो सलाम का जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम। वैसे कल जिस लड़की को तूने छेड़ा था ना, उसके घर वालों को पता चल गया है। फिर क्या, अभी धमकी देकर गए हैं। कैसी धमकी? यार धमकी धमकी होती है, जैसी भी देकर गए हो। वो कह रहे थे अमृत सिंह को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। परवाह नहीं है मुझे। वैसे एक बात था, तूने किस लड़की को छेड़ा है, कालू की छोरी को या किसी और को? नहीं, वो वकास अहमद की बेटी है। अच्छा, वकास अहमद की बेटी को? उसने तो तुझे भाई कह दिया था ना, उसको फिर क्यों छेड़ा? भाई कह देने से कोई खून से नहीं जुड़ता। यार फिर भी उसने तो तुझे भाई कह दिया था ना। यार वैसे एक बात याद आई, मैंने तुझसे एक बात करनी थी। कहो। बात मैंने ये करनी थी कि उस लड़की का पीछा आज के बाद छोड़ दे, उसके पीछे तो मैं कब से पड़ा हूँ। अच्छा मजाक है? मजाक नहीं कर रहा, सच्ची कह रहा हूँ। वैसे भी मैंने तुझसे पहले ही उसको सेट कर लेना है। लगी शर्त? हाँ लग गई शर्त, देख लेना, तुझसे पहले ही सेट कर लूंगा। देखते हैं। वैसे तुझे इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो मेरे साथ सेट हो जाए तो तेरी लगती क्या है? वकास अहमद की बेटी है और वो मेरे बाबा के दोस्त थे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक डील करते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। यार तुम इसका पीछा छोड़ो ना, तुम अपनी कजन मीरब से शादी कर लो ना। मैं मीरब से हरगिज शादी नहीं करूंगा। पहले तो उसके पीछे बड़े चक्कर लगाया करते थे, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं करनी उससे शादी? उस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। एक बार फिर सोच लो, फिर ना कहना मौका नहीं दिया। सोच लिया। अच्छा तो फिर क्या सोचा? मेरी तरफ से साफ इनकार है। ये तो और भी अच्छी बात है, अब फिर मैं दोनों को ही अपना समझूं।